तो हेलो फ्रेंड्स, आ गया मैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तो इस टाइम पे आप मेरा करंट रैंकिंग और स्कोर देख ही सकते हो। ऑलमोस्ट 24,000 स्कोर होने ही वाला है और करंट रैंकिंग देखोगे तो 82 नंबर पे मैं रीजन पे चल रहा हूँ। अब एक चीज़ नोटिस करो, मेरा लाइक देखो भाई, 5,00,000 लाइक कंप्लीट होने वाले हैं यार, मतलब 8,000 और लाइक चाहिए। तो जल्दी जल्दी आके लाइक कर दो, जो कि आपको रीजन विंस पे टॉप 1 पे मेरा आईडी मिल जाएगा। तो वहां से विजिट करके लाइक मारो यार सारे के सारे। और अगर आप लोग डेली गेम में आते हो तो फिर डेली एलिमिनेशन या फिर विंस में जाके, किल्स में जाके, जहां पर भी जाके मेरा आईडी ओपन करके लाइक कर दिया करो यार। डेली का डेली मेरे को 1,000,000 लाइक कंप्लीट करना है। कब तक होगा पता नहीं, लेकिन हाँ अगर आप लोग चाहोगे तो फिर जल्दी से 1,000,000 लाइक भी हिट हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फाइनली यार मैच जो है स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो, अब इस टाइम पे मैंने अपना सप्लाई क्रेट देखा है ना, मैप खोल के भाई अजीब सा जगह पे बना यार। अब यहाँ से लूट करके मैं आखिर जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, क्योंकि वहाँ पे मार्स इलेक्ट्रिक में मेरे को बंदे मिलेंगे तो फालतू में उधर जाने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैंने मार्क लगाया ब्लू जोन में। वैसे भी ब्लू जोन में जाने का भी ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि आदत से मजबूर भाई काफ़ी ज़्यादा मैं इग्नोर कर रहा था ब्लू जोन को, लेकिन अभी थोड़ा मन करता है मेरा ब्लू जोन जाने के लिए। अब जब भी मैं ना ब्लू जोन में जाता हूँ तो मेरा किल अच्छा खासा होता है, लेकिन जैसे ही मैं सप्लाई क्रेट में उतरता हूँ, वैसे तो मैक्सिमम टाइम अभी के टाइम पे मैं सप्लाई क्रेट को ही लेके खेलता हूँ, उधर ही उतरता हूँ, लेकिन सप्लाई क्रेट में उतरता हूँ तो भाई किल उतना ज्यादा मेरा हो नहीं पाता है गेम में, क्योंकि सप्लाई क्रेट लूटने के बाद इधर उधर लूट हुए, मतलब पूरा गेम लूटने में ही चला जाता है। लेकिन जैसे ही मैं ब्लू जोन में आता हूँ तो मेरा किल बहुत ज्यादा हो जाता है भाई, क्योंकि ऑलरेडी ब्लू जोन में बंदे आते हैं तो यहाँ से 2-3 किल मिल जाता है, देन मैच में भी मिल जाता है। तो चलो फिलहाल यहाँ पे एक बंदा दिखा, चलो 176 के एक शॉट मैंने M82B का मारा इसको। अरे लग जा भाई, एक शॉट और लग जा यार। गलत गलत सीन हो गया भाई, बंदे ने ट्रॉगन चला दिया मेरे ऊपर, लेकिन यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ पे मेरे को 0 किल के साथ मरना पड़ा भाई ब्लू जोन में। तो अभी देखो, कई लोगों को समझ में नहीं आता कि एक बार मरने के बाद हम लोग दोबारा उतरे कहाँ। तो ये गेम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। जो भी ऐसा गलती करते वो गलती कभी भी मत करना। जैसा कि कई लोग क्या करते, एक बार जहाँ पे मरते वहाँ पे दोबारा उतर जाते, क्योंकि भाई अलग ही चुल मचती है ना अंदर में, कि जिस बंदे ने हमको मारा उसको कैसे भी करके अपने को मारना है, बदला लेना है, ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं भाई आराम से खेलता हूँ। यहाँ पर इधर बुलसिया में उतर गया था, बुलसिया फिर बुलसियाई जो भी बोलते हैं, यहाँ पे उतरा। अब यहाँ पे मेरे को फुटस्टेप आने लगा था और इधर फाइट भी स्टार्ट हो गया, तो यही सही समय था थर्ड पार्टी करने का, तो मैं नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। ओके, एक बंदा फिनिश हो चुका है जहाँ तक मेरे को लग रहा है, और ये बंदा देखो लूट ही कर रहा है। यहाँ से मैं मारने का तो ट्राई किया, लेकिन लास्ट में आके अंदर आके ही मेरे को मारना पड़ा इस वाले बंदे। इसका नाम क्या नाम था भाई, बादल M10 था क्या? अरे पागल M10 लोग जो है वो नाम रखते हैं, बादल M10 नाम रखा है बंदे ने, थोड़ा हटके नाम रखा है। चलो ठीक है, यहाँ से और फाइट चल रहा है, पीछे की तरफ देख सकते हो, तो वहाँ से भी हम लोग एक किल निकालने का ट्राई करेंगे एटलीस्ट, क्योंकि किल मिल जाएगी स्टार्टिंग में तो गेम अच्छा खासा जाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। अब यहाँ पर एक बंदा आखिर है तो है कहाँ, ओके सामने रहा। ओके, तो चलो इस टाइम पे इसको ही मैंने फिनिश कर दिया। अब इस सीज़न ना मैं M10 यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ट्रोगन चला रहा हूँ इस सीज़न, क्योंकि ट्रोगन में मेरे को टॉप 1 का टाइटल लेना यार, मतलब मैं चैलेंज ले रखा हूँ खुद के ऊपर के ऊपर में, कि एक सीज़न में मेरे को 3 गन में एटलीस्ट टॉप 1 का टाइटल लेना, ऐसा करके। ग्रोजा में तो ले चुका हूँ टॉप 1 का टाइटल, अभी मेरा टारगेट है M4A1 और ट्रोगन में लेना चाहता हूँ, देखता हूँ हो पाता है कि नहीं। काफ़ी ज़्यादा स्कोर आगे चला गया है, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा भाई ट्रोगन मिलता नहीं है यार, और जितने भी टॉप वाले ट्रोगन वाले बंदे हैं ना मेरे से ऊपर, सारे लोग भाई स्क्वाड या फिर डुओ में खेलते हैं, तो उन लोगों को इजीली ट्रोगन मिल जाते हैं, क्योंकि टीममेट भी साथ दे देते हैं ना ट्रोगन ढूंढने में। लेकिन भाई मैं सोलो खेलता हूँ यार, ट्रोगन किसी की समझ में मिलता ही नहीं है भाई, चाहे जितना मर्जी ढूंढ लो। तो उसकी वजह से मैं कभी कभी M10 भी चला लेता हूँ। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूँगा भाई ट्रोगन के ऊपर, कि भाई अगर आपके पास कोई सा भी स्किन नहीं है ना शॉर्ट रेंज का, ट्रोगन से अच्छा गन कोई गन नहीं है भाई शॉर्ट रेंज में, वैसे भी उसको स्किन की ज़रूरत ही नहीं पड़ता
था भाई, इतना खतरनाक चलती है ट्रोगन। अगर आपको चलाना आ गया तो कई लोगों को चलाना भी नहीं आता, ये भी दिक्कत है ट्रोगन गन को। और अगर सच बताऊं ना तो मेरे खुद के पास भी ट्रोगन का कोई स्किन नहीं है भाई। एक स्किन है, ऐसा नहीं है, स्किन है लेकिन उसका कुछ एट्रीब्यूट भी नहीं है। शायद एट्रीब्यूट है तो आई थिंक वो मतलब बिना स्किन का ही है, समझ सकते हो, ऐसा मान सकते हो आप लोग, क्योंकि उसका कुछ एट्रीब्यूट है नहीं, बस स्किन है इतना मान लो। अभी इस टाइम पे ना मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि मेरे को क्या गन उठाना चाहिए। यहाँ पे एक बंदा आया, ओके तो चलो इसको मैंने फिनिश कर दिया। इस टाइम पे यहाँ पे दो लेवल का M14 था, MP40 बोलने वाला था भाई मैं, और एक चिप था मेरे पास, मतलब इसको मैं तीन लेवल कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को M41 चलाना है भाई। तो मैं इस टाइम पे थोड़ा सा कंफ्यूज था कि मेरे को क्या उठाना चाहिए। तो चलो ठीक है, मैंने M14 उठा लिया इस टाइम पे, और सामने वाले बंदे को चलो चल के लूटते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक ड्रॉप गिरा है, अगर 4 का वेस्ट मिल जाएगा तो काफ़ी अच्छा होगा। तो इस वाले बंदे के पास क्या है, ओके तो चलो फाइनली मेरे को ट्रोगन मिल चुका भाई इस टाइम पे। अब यहाँ से मेरे को 4 का वेस्ट तो नहीं मिला, लेकिन उस बंदे से मेरे को एक चिप मिल गया भाई। फालतू में एक चिप मैंने वेस्ट कर दिया। अब यहाँ से मैंने M41 तीन लेवल का कर लिया नीचे से, मतलब वेंडिंग मशीन से M41 उठा के। अब यहाँ पे फाइट चल रहा है, देखो सामने की तरफ एक बंदे को मैंने डाउन कर दिया इसको। भाई यार ये वाला बंदा मेरा किल चोरी करने ही वाला था, उसने फायर करने स्टार्ट कर दिया था, किस्मत से मेरे को एक किल मिल गया। वो तो अच्छा हुआ, नहीं तो मेरा दिमाग खराब हो जाता। जब ऐसे डाउन बंदे को कोई बंदा मारता है ना, इतना गुस्सा आता है मेरे को कि क्या बताऊं अभी। अबे मर जा भाई। ओके चलो फाइनली बंदा फिनिश हो चुका है। इस टाइम पे कितना डैमेज दिया भाई बंदे को, बॉडी बॉडी ही मारा, एक भी हेड नहीं लगा, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा हेड शॉट मारता नहीं हूँ। कभी कभार तुक्के तुक्के में हेड लग जाता है, वो बात अलग है गलती से, लेकिन हाँ मैं बॉडी प्लेयर हूँ एक, क्योंकि मैं मारो लगा के खेलता हूँ इसलिए मैं बॉडी मारता हूँ। और हेड पे उतना ज़्यादा मेरे को यकीन भी नहीं रहता, क्योंकि अगर हेड मारने जाओगे ड्रैग मारोगे तो फालतू में अगर गोली मिस हो जाएगा तो सामने वाला बंदा उतने में आपको डैमेज दे देगा। तो सोलो का एक चीज़ हमेशा याद रखना, मैक्सिमम टाइम मतलब यही होता है कि अगर जो बंदा पहले डैमेज होता है ना, हाई चांस है कि वो बंदा फाइट को विन करेगा, क्योंकि फिर अगर आप किसी बंदे को या फिर आप डैमेज हो जाओगे थोड़ा सा पैनिक करने लगता है बंदा सामने वाले, फिर आप भी कर दोगे। तो ट्राई करो बंदे से, बंदों को मतलब जो सामने वाला बंदा है उसको सबसे पहले आप डैमेज दो, तो वो भी अच्छा खासा डैमेज दो ना, ऐसा नहीं कि 2-4 का डैमेज दो, अच्छा खासा डैमेज दो। बंदा उतने में फिर डर जाएगा और डर के मारे वो कोई ना कोई गलती करेगा, जिसके कारण से वो बंदा मतलब उसको आप काफ़ी इजीली फिनिश कर सकते हो। और इसीलिए मैं उतना ज़्यादा लॉन्ग रेंज में ड्रैग नहीं करता हूँ। हेड शॉट मेरे से लगता है, कब लगता है पता है, जब सामने सामना बंदा रहता है विदाउट स्कोप मैं मारता हूँ तब जाके मेरे से हेड लगता है, क्योंकि मैं हेड मारने को उस टाइम पे ट्राई करता हूँ। लेकिन स्कोप लगा के अगर मैं मारता हूँ बंदे को तो कभी भी मैं हेड मारने का ट्राई नहीं करता हूँ, सीधे सीधे रहता है तो बात अलग है, लेकिन ऐसे भागते बंदे को मैं कभी भी हेड मारने का ट्राई नहीं करता, क्योंकि वैसे में फिर बॉडी भी नहीं लगेगा, गोली ऊपर ऊपर जला जाएगा। अब इस टाइम पे ऑनेस्टली मैं अपना बात बताता हूँ, बॉडी बॉडी से ही बंदे को इतना ज़्यादा डैमेज करता हूँ, सामने वाला बंदा बच ही नहीं पाता भाई, तो हेड मारने का काहे रिस्क लूँ मैं, मतलब फालतू में एमओ वेस्ट चला जाएगा, मतलब ऊपर ऊपर चला जाएगा, बॉडी शॉट से भी नहीं लगेगा, और बॉडी से मरने वाला जो बंदा था वो हेड शॉट नहीं लगेगा तो वो बंदा बच जाएगा। आई थिंक मैं कन्फ्यूज़ कर रहा हूँ क्या, लेकिन हाँ मैं हेड के चक्कर में उतना ज़्यादा रहता नहीं हूँ, क्योंकि एक मैं बॉडी शॉट प्लेयर हूँ। फिलहाल इधर के साइड पर फाइट चल रहा है, कुछ ज़्यादा ही हेड शॉट बॉडी शॉट के ऊपर लेक्चर दे रहा हूँ मैं आज जो है वो। लेकिन एक मिनट, यहाँ से नीचे कूदा एक बंदा, ये बंदा थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है मेरे को, ये देखो ट्रोगन चलाने के एक निंजा टेक्निक, सामने वाले बंदे को भाई ग्रेनेड से ही मार दो, मतलब 4 ग्रेनेड आपको मिलता है, अगर आपके पास लॉन्चर है वो अलग से है तो फिर मजे ही मजे है भाई। अब इस वाले बंदे को भाई कितना बार डाउन करूँ यार, कितना बार बचेगा ये बंदा। एक बार तो दिमित्री लगा के बच गए, एक बार इंजेक्शन लगा के बचने वाला था, लेकिन चलो इसका इंजेक्शन मैं उठा लेता हूँ, मेरा काम आ जाएगा। और जब भी मैं ट्रोगन यूज़ करता हूँ ना, तो मेरे पास अगर वो लॉन्चर एमो रहता है या फिर 4 तो ऑलरेडी ट्रोगन में मिलता है, तो सबसे पहले तो उसी से मैं मारने का बंदे को ट्राई करता हूँ। एटलीस्ट 2-3 शॉट लग जाता है, फिर बंदा बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, उसके बाद रस करके उसको काफ़ी ईजिली मैं फिनिश कर देता हूँ। और इसी टेक्निक का मैं यूज़ करके ट्रोगन चलाता हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा हूँ मेरे ख्याल से, हाँ उल्टा मेरे पे ही भारी ना पड़ जाए, क्योंकि ऐसा होता है काफ़ी ज़्यादा कि मेरा ही ट्रिक लगा के बंदे मेरे को भी मार देते हैं यार। लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिलहाल अभी गेम पे फोकस करते हैं। इस टाइम पे मेरा 7 किल हो चुका है भाई, इस बंदे को 3 हेड शॉट लगाए भाई, ये बंदा मरा कैसे नहीं यार, वो बात अलग है कि उसका बस हेड ही दिख रहा था इसलिए हेड लगा, बाकी वैसे तो बॉडी बॉडी लगता, लेकिन बंदा मरा नहीं भाई इतने डैमेज में भी।
भाई अभी भी देखो कितना डैमेज दिया भाई, इतना बॉडी बॉडी मारा बंदे को, लेकिन बंदा मरा ही नहीं भाई। लेकिन उसने मेरे को ACAT आई थिंक मेरे ख्याल से वो बंदा चला रहा है, या फिर SVD Y हो सकता है, जहाँ तक मेरे को लग रहा है ACAT चला रहा है। अगर SVD Y रहता तब तो वो अभी तक फायर कर दिया रहता वाल के आर पार मारने के चक्कर में। लेकिन ACAT भाई इतना ख़तरनाक गन है ना, 4 का वेस्ट को भी इतना ज़्यादा डैमेज करती है ना भाई, मैं बता नहीं सकता। और फिलहाल यहाँ पे एक स्कैनर तो मैंने छोड़ दिया, आई थिंक राइट साइड में एक बंदा आ चुका है, वाल लगा है यहाँ पे। तो पहले तो ये वाल नहीं लगा था भाई। ओके बंदा है भाई, 8 का डैमेज गया। अब यहाँ से 4 बंदे अभी भी बचे, नहीं नहीं 3 बंदे बचे, मतलब मेरे को छोड़कर 2 बंदे और बचे, एक तो ये ऊपर में है। अब मैं चाहता हूँ वो ऊपर वाला बंदा या नीचे वाले को मार दे, और फिर एक जो बंदा बचेगा उसको मैं फिनिश करके बुइया ले लूँगा। लेकिन ये बंदा भाई वाल का कितना एकदम परफेक्ट यूज़ किया भाई, ये कितना दिमाग लगा के खेला लेफ्ट वाला बंदा, मतलब थोड़ा सा साइड में आ गया, और नहीं तो फिर ये जाने वाला था दोनों के बीच में फंस के। अब यहाँ से मैं नेड करने का ट्राई किया भाई, नेड से भी बंदा नहीं मर रहा यार। ओके फाइनली बंदा फिनिश हो चुका है। चलो अभी ये दिमाग वाला बंदा एक बचा, इसको अपने को भी दिमाग लगा के मारना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा ही हीरो बन रहा है भाई ये तो। चलो ठीक है भाई, ये पीछे से आके कब आ गया मेरे पता ही नहीं चला, वो थोड़ा सा मेरे को फुटस्टेप आया तो फिर मेरे को पता लग गया। लेकिन काफ़ी जिलीस वाले बंदे को मैंने फिनिश कर दिया, आई थिंक वो बंदा जोन से भी डैमेज हो गया था जहाँ तक मेरे को लग रहा है। लेकिन जो भी है यहाँ पे मेरा मास्टर सो होता है भाई, कभी कभी ग्रैंड मास्टर दिखता है तो कभी कभी मास्टर दिखता है, और ऐसा जब प्लस होता है उसी टाइम पे दिखता है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, एक मिनट। यहाँ पे देखोगे तो मेरा ग्रैंड मास्टर दिख रहा है, यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो। लेकिन चलो ठीक है, जो भी है तो फिर यही था आज का वीडियो। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको दिल से धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।